अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे हैदराबादी फेमस रेसिपी मर्क। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg ये मटन है, ये हड्डी के साथ में हमने ये मटन लिया है। हमें चाहिए 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, ये 1 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर है, ये 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून दही लिया है, ये अगर आप नहीं डालना चाह रहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये 20 काजू, 20 बादाम, थोड़े से पिस्ता है, ये पूरा कंप्लीट गरम मसाला है। ये 1 कप मैंने तेल लिया है, ये 4 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक कट करके रखा है, ये 1 बंच कोथमीर है, 1 बंच पुदीना है, ये 6 से 8 हरी मिर्ची है। हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, आप चाहे तो खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप तेल, प्याज ऐड करेंगे, थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम थोड़ा फ्राई करेंगे। अब थोड़ी प्याज थोड़ी लाइट ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, हमारे साबुत गरम मसाले, नमक, इसे अच्छे से मैं 2 मिनट के लिए अच्छे से थोड़ा सा भून लूँगी। 2 मिनट्स हो गए हैं, मैंने अच्छे से भून लिया है। मैं डालूँगी थोड़ी सी पत्ती, थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्च, इसे अच्छे से हम 5 मिनट्स के लिए थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसे 1 गिलास पानी डालकर 10 मिनट्स के लिए प्रेशर कुकर में कुक करेंगे। अगर आप खुले बर्तन में बना रहे हैं तो 2 गिलास भी पानी ऐड कर सकते हैं। इसे कुक हो गया है, ये हमारा गोश्त भी अच्छे से गल गया है, अब हम इसे खुले बर्तन में निकालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 काजू बादाम पिस्ते का पेस्ट, अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे पानी तकरीबन 2 गिलास, क्योंकि ये मटन सूप है, ये अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब इसमें हम थोड़ी सी कोथमीर डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना। देखिए मर्क रेडी हो गया है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए मैंने मर्क को डिश आउट कर लिया है, इसे आप सर्व कीजिए नान की रोटी, रुमाली रोटी के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।